स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 उसके एग्जांपल्स की। ओके, तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.3 में आपका है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। ओके, फॉर्मूला है आपका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इक्वल टू, ये होता है आपका एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्म है, ए फर्स्ट टर्म है, डी क्या है कॉमन डिफरेंस है। ओके, अब स्टूडेंट इसका एक फॉर्मेट और होता है कि जब आपको लास्ट टर्म गिवेन है, हाँ, इफ लास्ट टर्म इज गिवेन देन, हाँ, और ये जो सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए पी है इसको एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आप ऑफ यहाँ पे मैं छोटे ऑफ ए पी एस एन इक्वल टू, ओके, एन अपॉन टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, अब अगर आपको लास्ट टर्म गिवेन है देन, तो एस एन क्या हो जाएगा, एन बाई टू ए प्लस एल। तो स्टूडेंट एल क्या होता है आपका लास्ट टर्म, एल से ही तो डिनोटेट किया जाता है एल, या फिर यहाँ पे क्या है आप ए एन ले लो। ओके, तो जब आपको लास्ट टर्म गिवेन है तब आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, और आपको लास्ट टर्म गिवेन नहीं है तब आप क्या है इस फॉर्मूले का यूज करोगे। ओके, तो करते हैं एग्जांपल फर्स्ट। ओके, तो आपका एग्जांपल फर्स्ट है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपका क्या है, हाँ, रफ कर दिया, आप नोट करके, आप पॉज करके वीडियो को क्या है नोट कर लोगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आपका एग्जांपल क्या, एग्जांपल आपका 11 है आपका इसी एक्सरसाइज पर बेस्ड। एग्जाम्पल 11 है आपका, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, हाँ, तो आपको क्या है गिवन है एन एपी, आपको गिवन है, और एपी आपको किस प्रकार से गिवन है, 8 3 माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। स्टूडेंट सिर्फ आपको क्या है 3 डॉट ही लगाना है। ओके, अब आपको क्या है इसमें सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है। ओके, तो हियर ऑन हियर, ओके स्टूडेंट्स, ये जब आप लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा। ओके, ए इक्वल आपका क्या 8, और डी इक्वल टू, आप देखो अब आपका क्या है यहाँ पे लास्ट टर्म तो गिवेन है नहीं, तो d इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस 8 यानी कि -5, और n इक्वल टू आपको क्या है 22 गिवन है, क्योंकि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। ओके, तो हाँ, नाउ एस एन इक्वल टू क्या होता है आपका n अपॉन टू, और आपका 2a प्लस n माइनस वन डी। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका s 22 फाइंड करना है आपको ना। ओके, सम ऑफ 22 टर्म्स। ओके, तो n की वैल्यू 22 अपॉन टू, 2a, 2a आपका कितना हो जाएगा 16, प्लस n माइनस वन आपका क्या हो जाएगा 21। ओके, इंटू d की वैल्यू आपकी कितनी है -5, आई बात समझ में, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो 11, और ये आपका क्या इंटू 16, ये आपका है, तो ये कितने हो जाएंगे 105, ये आपका 11 इंटू ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5 में से 6 जाएगा तो आपका 9 बचेगा। ओके, और आपका 9 में से 8 89, हाँ, बट वो भी क्या निगेटिव, अब आप क्या है मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस में ही आंसर आएगा, तो 11 9 जा 99, कैरी 9 आ जाएगी आपकी, 11 8 जा 88 और 9, तो 88 और 9 आपका क्या हो जाएगा 87, ये आपका फाइनली क्या है आंसर हो गया। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।
स्टूडेंट यहाँ पे आपका ये मल्टी करेंगे तो आपका माइनस नाइन सेवेंटी नाइन आएगा। ओके तो हाँ वो जल्दबाजी में हो जाता है कभी कभी, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 12। ओके तो एग्जाम्पल 12 आपका क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 1050, एक ए पी के 14 टर्म्स का सम 1050 गिवेन है। ओके और उसका फर्स्ट टर्म 10 है, तो उस ए पी का 20th टर्म फाइंड करो। तो देखो गिवेन अस, ठीक है फर्स्ट टर्म क्या है, ए इक्वल टू 10 दिया है ना, और क्या दिया है आपको, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म। ओके तो सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज इक्वल टू क्या है आपका, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स आपका दिया है 1050। ओके अब स्टूडेंट सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स होगा क्या, क्या होगा, हाँ 14 अपॉन 2 क्योंकि n by 2। ओके 2 इंटू ए की वैल्यू आपकी क्या है 10, 2a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू आपकी क्या है 15, तो n माइनस 1 13 डी। ओके इक्वल टू 1050, अभी बात समझ में कि नहीं, तो ये 2 से 7 बार कैंसिल आउट, 7 से ये 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, तो आपका 3 रह गया और 7 5 जा ये आपका ये आ गया। ओके कैंसिल आउट, अब ये कितने हो गए आपके 20 प्लस 13d इक्वल 150, ये आपका उधर चला जाएगा तो 13d इक्वल टू क्या 130 रह जाएगा। देखो ये माइनस में जाएगा ना, और ये कैंसिल आउट, यानी कि d इक्वल भी आपका क्या है 10 आ गया ना। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं 20th टर्म, ठीक है तो 20th टर्म। ओके 20th टर्म आपका क्या होगा a प्लस 19d, ए की वैल्यू कितनी है, तो 20th टर्म ये ए की वैल्यू क्या है आपकी 10 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू क्या है आपकी 10, तो ये क्या 10 प्लस 190। ओके 190 प्लस 10 200, ये आपका क्या है 20th टर्म आ गया। ओके स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल 13 है, तो एग्जाम्पल 13 क्या कह रहा है, हाउ मैनी टर्म ऑफ द ए पी, ए पी आपको इस मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, ये जो ए पी आपको गिवन है इसमें कितने टर्म लिए जाएं कि सम आपका क्या है 78 हो जाए। ओके तो यानी कि आपको एन फाइंड करना है, तो आप क्या लिख लो, लेट एन टर्म्स मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, तो लेट एन टर्म्स टर्म्स मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, यानी कि n टर्म का सम क्या है 78 होगा। ओके स्टूडेंट n टर्म का सम इस ए पी के n टर्म का सम क्या होगा 78, ठीक है हियर a इक्वल टू क्या 24 और d इक्वल टू आपका क्या है 21 माइनस 24 यानी कि माइनस 3। ओके और आपका क्या है s n इक्वल टू 78 आपको गिवेन है। ओके क्योंकि n टर्म का सम 78 होगा, तो नाउ अब आपको क्या है एस एन इक्वल टू 78 यही तो दिया है, तो एस एन इक्वल क्या होता है n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू आपका क्या है 78 भैया। ओके अब n
तो आपको फाइंड ही करना है अपॉन टू, टू ए आपका क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा ना, 2 इंटू 24 48 प्लस एन माइनस वन, और d की वैल्यू आपकी क्या है आपकी माइनस थ्री है, ओके इक्वल टू 78। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? अब आपको क्या है इसे सॉल्व करना है, ओके तो सॉल्व करते हैं एन अपॉन टू 48 या आप मल्टी कर दो तो माइनस थ्री एन और प्लस थ्री ओके इक्वल टू 78। ओके स्टूडेंट्स अब आप क्या करोगे देखो एन अपॉन टू और ये देखो ये आपका ऐड हो जाएगा तो ये आपका ऐड होके क्या आ जाएगा 51 माइनस थ्री एन ओके इक्वल टू 78। अब स्टूडेंट ये आप उधर मल्टी कर दो ये इधर कर दो तो 51n माइनस 3n स्क्वायर और ये आपका मल्टी हो जाएगा 2 8 16 और 156। आई बात समझ में कि नहीं? अब आप क्या करो माइनस कॉमन ले लो ओके तो माइन या आप उसे इधर ही देखो माइनस 3n स्क्वायर प्लस 51n और ये आपका इधर ही आ गया ओके माइनस 156 इज इक्वल टू जीरो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा ना ओके अब आप क्या करो माइनस से डिवाइड कर दो ऑन डिवाइडिंग माइनस बोथ साइड ओके तो ये आपका क्या 3n स्क्वायर प्लस 51n देखो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा ये माइनस में ओके और ये प्लस में 156 इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट इसमें क्या है थ्री से डिवाइड भी जा रहा है माइनस थ्री एन से डिवाइड कर दो ओके हाँ माइनस थ्री से डिवाइड कर दो देखो माइनस थ्री से डिवाइड करेंगे तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका क्या है माइनस 17 एन रह जाएगा ओके और इसमें माइनस थ्री से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 52 ओके इक्वल टू आपका क्या है जीरो। अब आपको दो नंबर इस प्रकार से अपने दिमाग में बनाना है कि जिनका मल्टी करें तो क्या है माइनस तो स्टूडेंट 13 एंड 4 आ जाएगा माइनस माइनस 13 माइनस 4 यानी कि एन स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू जीरो। देखो प्लस माइनस करेंगे तो ये आएगा मल्टी करेंगे तो 52 आ जाएगा। अब n आप कॉमन ले लो n माइनस 13 माइनस 4 कॉमन ले लो n माइनस 13 इक्वल टू जीरो यानी कि n माइनस 13 इक्वल टू जीरो और n माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो यानी कि n इक्वल आपका क्या आ गया 13 और 4 यानी कि आपको बस यही फाइंड करना है। 10 में आपको क्या लिख देना है 13 और 4 टर्म्स मस्ट बी टेकन ओके 10 या लिखो तो ठीक है ना लिखो तो ठीक है n की वैल्यू आपकी क्या है तो आप लिखो तो क्या लिख दोगे 10 में अब यहाँ पे तो जगह नहीं है 13 और 4 टर्म्स मस्ट बी टेकन 13 तो मत लिखना है स्टूडेंट 13 और 4 टर्म्स मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज या तो 13 सम लिए जाएं इस एपी के या 4 टर्म लिए जाएं जिससे इस एपी का सम क्या है 78 हो जाएगा ओके करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका एग्जाम्पल 14 तो एग्जाम्पल 14 में आपसे कहा गया फाइंड द सम ऑफ पहला क्वेश्चन है 1000 पॉजिटिव इंटीजर एन पॉजिटिव इंटीजर ओके तो स्टूडेंट लेट आपको क्या करना है एस इक्वल टू तो आपको ये पॉजिटिव इंटीजर क्या हो 1 से स्टार्ट होते हैं ओके तो 1 2 3 प्लस डॉट 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 मैंने बताया 3 डॉट लगाना है प्लस 1000 तक ये सम आपको फाइंड करना है ओके तो यहाँ पे तो आपको फर्स्ट टर्म दिया है एंड है और लास्ट टर्म भी दिया है तो हियर ए इक्वल 1 और एल इक्वल क्या है 1000 और एन इक्वल ये कितने टर्म्स लिखे हैं 1000 ही तो लिखे हैं ओके क्योंकि फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर है ना ओके तो नाउ अब एस एन इक्वल क्या है एन अपॉन टू
ए प्लस एल, ओके। जब लास्ट टर्म दिया तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ओके। अब एस थाउजेंड निकालना है ना आपको, तो एन की वैल्यू थाउजेंड अपॉन टू और क्या वन प्लस थाउजेंड, ओके। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 500 इंटू और ये आपका क्या, ये आप मल्टी करोगे तो आपका ये आ जाएगा आंसर, ओके। अब ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर ये, तो इसमें है एन टर्म का निकालना है, तो लेट एस इक्वल क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू कहाँ तक, एन तक, ओके। 3 डॉट लगाना है स्टूडेंट, ओके। तो ये हियर ए इक्वल क्या है आपका 1 और एल इक्वल क्या है आपका एन, ओके। और एन इक्वल तो आपका एन दिया ही है क्योंकि एन टर्म का कह रहे हैं ना वो आपसे, तो नाउ ठीक है एस एन इक्वल क्या होता है एन अपॉन टू ए प्लस एल, जब आपको लास्ट टर्म गिवेन है तो लास्ट टर्म आपको हैं गिवेन है एन, ओके। तो एस एन इक्वल टू एन की वैल्यू तो एन ही है एन बाई टू, ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस एल की वैल्यू एन, यानी कि एस एन इक्वल टू एन एन प्लस 1 अपॉन टू, ये आपका क्या है फॉर्मूला आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो रही है, ये आपका क्या है सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर दिया है ना, क्या दिया है सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर या सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ओके। ये आपको 11th में बड़ा काम का फॉर्मूला है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ओके, या सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर। तो सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर क्या एन एन प्लस 1 अपॉन 2, ओके। स्टूडेंट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड